हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट डबल सर्कुलेशन सिस्टम ओके इन ह्यूमन बॉडी सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैज थ्री की कंपोनेंट्स तो पहला पार्ट होता है ब्लड वेसल जैसे कि आर्टरीज वेन्स एंड कैपेलरीज फिर होता है ब्लड एंड थर्ड कंपोनेंट दैट इज द पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट ओके, इट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट मतलब एक कार्डिक साइकिल के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू दो बार पास होता है तभी इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ओके द राइट पंप सेंड्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स जो राइट right पंप है मतलब जो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को सेंड करते हैं किस ब्लड को डी ब्लड को फॉर द प्यूरीफिकेशन टू द लंग्स ओके तो लंग्स में क्या होगा ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न बैक टू दार्ट द लेफ्ट पंप जो कि है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंस द न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स में से प्योरीफाई होकर आता है टू बॉडी पार्ट्स ठीक है पूरी बॉडी में सप्लाई को एंश्योर करता है बाय द टाइम दिस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट इट हैज रिटर्न टू डीऑक्सीनेटेड स्टेट ठीक है मतलब क्या हुआ बाय द टाइम दिस ब्लड रिटर्न टू हार्ट मतलब बॉडी में से वापस हार्ट में आएगा ठीक है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए तब तक ये फिर डीऑक्सीनेट हो जाएगा मतलब जो इसके अंदर ऑक्सीजन थी इट विल बी टेकन बॉडी टिश्यू ठीक है सो ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट ब्लड एंटर द हार्ट सबसे पहले क्या हुआ ब्लड हार्ट में एंटर होगा तो ये एंटर होगा थ्रू द वेना ना केबा सुपीरियर वेनाकेबा एंड इन्फीरियर इनफीरियर वेनाकेबा क्लियर डी ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर इन टू राइट ऑरिकल राइट ऑरिकल में एंटर होगा तो राइट right ऑरिकल से यह जाएगा टू द लंग्स क्लियर देन डी ऑक्सीडेंट ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट एंड टू वर्ड्स द लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल मतलब क्या हुआ कि जो डी ऑक्सीडेंट ब्लड आया था हार्ट में से लंग्स में ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ ये लंग्स में से कहाँ से आया राइट वेंट्रिकल से ओके okay? तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लंग ऑक्सीजनेट द ब्लड मतलब क्या होगा कि एट द लंग्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी ठीक है और लंग्स क्या दे देंगे ब्लड को ऑक्सीजन क्लियर दिस इज हाउ इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड मतलब कंटेन्स ऑक्सीजन देन प्यूरिफाइड ब्लड रिटर्न टू हार्ट ऑक्सीजेंट ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट क्लियर नाउ उसके बाद क्या होगा ब्लड पंप टू द बॉडी अब क्या हुआ दिस ऑक्सीजेंट ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड टू द बॉडी बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरटा के थ्रू जाएगा जो कि होती है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी उसके बाद ब्लड अगेन रिटर्न टू द हार्ट ऑक्सीज ब्लड गिव ऑफ इट्स ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स सेल और टिश्यू बॉडी की जो है वो ऑक्सीजन को ले लेंगे जो ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ठीक है उसके बाद ब्लड में से ऑक्सीजन लेकर उसको क्या दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन ब्लड बिलकम डी ऑक्सीजनेटेड ओके द ब्लड बिकम डी ऑक्सीनेटेड एंड रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द वीना केवर नाउ सी दिस डायग्राम तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहले क्या है कि जो ब्लड यूज हो गया वो वीना केवा से फ्रॉम द बॉडी एंटर करेगा हमारे राइट right ओरिकल में और राइट right ऑरिकल में से एंटर करेगा राइट uh, वेंट्रिकल right में तो यहाँ पे ट्राई कस्पिड वाल्व ओपन होगा ठीक है तो उसके बाद जो ब्लड है वो पलमुनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है लंग्स में लंग्स में हो रही है प्यूरिफिकेशन ठीक है तो उसके बाद लंग कैपेलरीज़ में होता हुआ पालमुंद्री वेन के थ्रू एंटर करेगा लेफ्ट ओरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से एंटर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है तो जो जो पाथ यहां से शुरू हुआ है आ, लेफ्ट जो हमारा सॉरी राइट जो हमारा वेंट्रिकल था तो राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट ऑरिकल तक का जो पाथवे है दिस पाथवे इज नोन एज पालमुंद्री सर्कुलेशन क्लियर अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ब्लड हमारा आया लेफ्ट वेंट्रिकल में तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जी ओरटा में होता हुआ पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा सभी ऑर्गन को ब्लड को ठीक है तो ब्लड को जब पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा तो बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेट होकर आएगा राइट ऑरिकल के अंदर क्लियर है तो जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर राइट ऑरिकल तक आ रहा है दिस पाथवे इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ओके नाउ सिमिलर थिंग यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो तो फ्लो चार्ट में आप देख पा रहे हैं चार चैंबर तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट right वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड था डी ऑक्सीजेटेड ब्लड ठीक है ये जा रहा है थ्रू द पालमुंद्री आर्ट्री टू द ब्रांचेस ऑफ पालमुंद्री आर्ट्री देन कैपेलरीज ऑफ लंग्स देन पालमुंदरी वेन ठीक है उसके बाद क्या हुआ ये ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरटा योरटा से पूरी बॉडी ठीक है और बॉडी में से वापस वीना की बा में होता हुआ ये आएगा पालमुंद्री जो है हमारी सॉरी हमारे राइट ऑरिकल में ठीक है तो ये पाथवे कंप्लीट हो जाता है यहां पे एक चीज इंश्योर हो जाती है कि यहां पे ऑक्सीजनेटेड एंड डी ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं हो रहे सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ डबल सर्कुलेशन राइट तो अभी हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेशन तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो ब्लड एंटर होता है लंग्स में वो लो प्रेशर पे होता है ठीक है एज कंपेयर टू ब्लड लिविंग मतलब लंग्स में जब ब्लड वापस आएगा तो वो प्रेशर पे आता है लेकिन जब लंग्स में एंटर होता है अलाउ मोर टाइम फॉर ब्लड टू बी वेल ऑक्सीजनेटेड मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्योरीफाई हो जाए ठीक है तो दूसरा एडवांटेज क्या है कि हार्ट पंप द ब्लड एट हाई प्रेशर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी जब हार्ट में से बॉडी में ब्लड जा रहा है तो वो काफी प्रेशर पे जा रहा है एट्रियल प्रेशर इसको बोलते हैं हम ठीक है तो वो क्या इंश्योर sure करेगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हाई बीपी पे ब्लड जाएगा तो उसकी बेनिफिट ये है कि पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा क्विकली ठीक है सभी टिश्यू को बड़ी तेजी से ब्लड मिलता रहेगा तो ये इसके एडवांटेज है इसके डबल सर्कुलेशन के अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की double circulation is much more efficient than single in a fish blood pressure goes down as it passes through capillaries in gills so it's slower and takes longer for oxygen and nutrient to get around the body matlab kya hua ki fish mein blood jo low pressure se move karta hai puri body mein तो टिश्यू के पास भी लॉन्ग टाइम होता है ताकि वो ब्लड में से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ले सके लेकिन दिस इज ओके फॉर फिश बट नॉट फॉर ह्यूमन ठीक है ये इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेजेस भी है आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं जैसे डबल सर्कुलेशन टॉपिक हमने किया तो उसके पहले तो डबल सर्कुलेशन होती क्या है फिर उसका बेनिफिट क्या है फिर उसका कोई भी डिसएडवांटेजेस क्या है सो दिस वॉज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टे ट्यून्ड कीप वॉचिंग थैंक्स अ लॉट